हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिटनेस क्रिएटिविटी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करें। चलो आज की वीडियो शुरू की जाए। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही यूनिक फैब्रिक पेंटिंग सिखाऊंगी। इस वीडियो में मैं कॉटन क्लॉथ के ऊपर फैब्रिक पेंटिंग करने का बहुत सारा टिप्स आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अरे वाह दीदी, आज आप फिर से टिप्स शेयर करोगी? हाँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर को क्लॉथ के ऊपर पेंटिंग करने का सही तरीका नहीं पता, इसलिए मैंने ले लिया है एक कॉटन कुर्ता। इसके ऊपर मैंने बहुत ही बेसिक एंड सिंपल सा एक पेंटिंग बनाई। अच्छा दीदी, क्या इसे मेरी तरह और भी बिगिनर सीख सकता है? हाँ चुटकू, जरूर। इस पेंटिंग को करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक्रेलिक कलर। ब्राउन एक्रेलिक कलर के मदद से मैंने यहाँ पर बना लिया है छोटे छोटे ब्रांचेस। अच्छा दीदी, आप हमें ये बताओ, क्या हम वाटर कलर से भी ऐसे क्लॉथ के ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। क्यों, उससे क्या होगा? वाटर कलर क्लॉथ के ऊपर स्टे नहीं करता छोटू, एक्रेलिक कलर क्लॉथ के ऊपर परमानेंटली स्टे करता है। इसलिए हमेशा क्लॉथ के ऊपर पेंटिंग करने के टाइम पर एक्रेलिक कलर ही यूज करना है। अब देखो, मैंने यहाँ पर लाइट ग्रीन एंड डीप ग्रीन कलर को यूज करके छोटे छोटे लेयर्स भी पेंटिंग कर लिया, ताकि सभी बिगिनर्स ये कर पाए। ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये तुम लोग मुझे कमेंट पर बताओ। दोस्तों, किस किस को पता है ये कौन सा फ्लावर है, वो जरूर कमेंट में बताना। यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावर को ऑरेंज कलर किया है और कुछ फ्लावर को ऑरेंज के साथ रेड कलर मिक्स करके बनाया है, ताकि ये फ्लावर एकदम नेचुरल लगे। दीदी, आपने बोला था आप टिप शेयर करोगे, तो जल्दी जल्दी टिप शेयर कर दो ना। हाँ, उससे पहले तुम लोग वीदियो को लाइक तो कर दो। हाँ दीदी बिल्कुल, ये देखो मैंने वीडियो को लाइक भी कर दिया। दोस्तों, तुम लोग भी वीडियो को लाइक कर दो ना। वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच छुटकू। अब चलो आज का पहला टिप्स शेयर की जाए। क्लॉथ के ऊपर पेंटिंग करने के पहले हमें हमेशा क्लॉथ के नीचे पेपर फोल्ड करके देना पड़ेगा। इससे क्या होगा दीदी? इससे हमारा जो एक्सेस कलर है वो क्लॉथ के दूसरे साइड पर नहीं लगेगा। जो भी एक्सेस कलर होगा, पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, ये बात है। अबसे तो मैं हमेशा ये टिप फॉलो करूंगी। अब देखो, हमारे यहाँ पर बेसिक का फ्लावर पेंटिंग तो कंप्लीट हो गया है। अब चलो पेंटिंग का दूसरे पार्ट पर चलते हैं। पहले हमें फ्लेस्टेंट कलर से हमारा कैरेक्टर का फेस को पेंट कर लेना है। वीडियो को एंड तक देखते रहो, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। फ्लेस्टेंट कलर को ब्लेंड करने के लिए हमें यहाँ पर येलो कलर का यूज करना पड़ेगा। मैंने हमारा कैरेक्टर को मधुबनी स्टाइल पर पेंट किया है, ताकि हमारे बिगिनर्स इसे आसानी से पेंट कर पाए। अच्छा दीदी, क्या आप कोई कपल पेंटिंग कर रहे हो? मुझे बताओ ना, मुझे कुछ हिंट्स दे दो, ताकि मैं और मेरे दोस्त तुम्हारे पेंटिंग कंप्लीट होने के पहले ही कमेंट पर बता सके कि ये कौन सा आइडल है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक हिंट्स देती हूँ। ये हमारे एक बहुत ही फेमस देव देवी है, जिनके लिए रिसेंटली मंदिर बनाया गया है। और हिंट दे दो दीदी, ये मंदिर कहाँ पर बना है? ये मंदिर ना अयोध्या पे बना है। अच्छा, अब मुझे पता चल गया ये कौन सा मंदिर है। दोस्तों, तुम्हें भी पता चल गया होगा ना? दीदी का पेंटिंग कंप्लीट होने के पहले जल्दी जल्दी कमेंट पर लिख दो ये कौन सा गॉड है। जो कोई भी सही जवाब देगा उसका कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगी। अब देखो, यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर का यूज करके इन कैरेक्टर का हेयर कलर कर लिया है। अब ऑरेंज कलर के साथ थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स करके मैंने यहाँ पर हमारा कैरेक्टर का क्लॉथ पेंटिंग किया है। अब चलो इस कैरेक्टर को ब्लैक कलर से थोड़ा हाईलाइट की जाए। हाइलाइट इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पेंटिंग, इसे इन कैरेक्टर के अंदर जाना जाएगी। मैंने यहाँ पर धीरे धीरे हेयर, क्लॉथ, इनके फेस सभी को हाईलाइट कर लिया है ब्लैक कलर के मदद से। हाँ चलो, टिप्स नंबर टू शेयर करते हैं। जो कोई भी बिगिनर्स है, क्लॉथ के ऊपर पेंटिंग करने के पहले
कलर को थोड़ा सा पानी से मिक्स कर लेना। कंटेनर के अंदर कलर कभी कभी ड्राई हो जाता है, इसीलिए कलर को कंटेनर से निकालकर एक पैलेट के ऊपर कलर को भीगे हुए ब्रश से ब्लेंड कर लेना पड़ेगा। याद रखना, कभी भी ज्यादा पानी मिक्स मत करना, इससे कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। ज्यादा पानी मिक्स किया हुआ कलर क्लॉथ के ऊपर फैल जाता है, इससे हमारा पेंटिंग खराब हो जाएगा। इसीलिए कलर के अमाउंट के बेसिस पर एक और दो ड्रॉप पानी यूज कर लेना। अगर ऐसा लगे फिर भी कलर ड्राई है, तब जरूरत के हिसाब से पानी यूज करना। वाह दीदी, ये टिप्स तो बहुत बढ़िया था, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच दीदी हमारे साथ इतने अच्छे टिप्स शेयर करने के लिए। तो मोस्ट वेलकम छुटकू। अब देखो, यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की मदद से आईज भी ड्रॉ कर लिया। अब मैं व्हाइट कलर से इन आईज को हाईलाइट कर लूंगी। अब मैं रेड कलर से बनाऊंगी बिंदी एंड लिप्स। तो अब में से सभी को पता चल गया होगा ये कौन सा गॉड है। दीदी मैं बता दूं, ये है हमारे भगवान श्री रामचंद्र और सीता मैया। हाँ चुटकू, तुमने एकदम सही बोला। इंडिया के अयोध्या पे रामलला का ही मंदिर बनाया हुआ है। पता है, मेरा एक फ्रेंड अयोध्या जाने वाला है, तो उन्होंने मुझे बताया था कुछ ऐसे बनाने के लिए जिसमें रामचंद्र जी हो। अभी मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया, क्योंकि सीता मैया का बिना तो राम जी अधूरे हैं। इसीलिए मैंने इस कुर्ते के ऊपर सीता मैया और राम जी का पेंटिंग बना दिया। दीदी ये पेंटिंग तो बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। जिन्होंने भी अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके चैनल का बेल बटन जरूर क्लिक करना, ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपके पास पहुँच जाए। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट पर जय सियाराम लिखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।